Good morning, children. Today I am going to tell you about the story, which is chapter number 15, An Old Friend. The story has been written by Jayanti Adhikari. This is the story of a boy, his grandparent, that is his grandfather, and the plant of neem tree, which was planted by his grandfather. The attachment which he had with that plant after his grandfather died. मतलब कितना ज्यादा वो अटैच था जब उसके ग्रैंडफादर मर गए थे तो वो सिर्फ उसकी उनकी डेथ हो गई थी वो सिर्फ ये सोच के कि ये प्लांट उसके ग्रैंडफादर ने लगाया था कितना ज्यादा वो उस नेम ट्री से अटैच था. मतलब ही वाज सफरिंग फ्रॉम टाइफाइड एंड ही वाज ऑन हिज बेड. वो टाइफाइड उसको हो गया था एंड ही वाज ऑन हिज बेड एंड ही वाज लुकिंग एट द ग्रैंड ट्री दैट वॉज द नीम ट्री एंड ही हैज गिवन इट द नेम. और उन्होंने उसको एक नाम भी दिया था. द नेम ऑफ द ट्री वॉज निमई. निमई नाम दिया था ट्री का. तो वॉट डिड द डू कि ही वॉज रिमेम्बरिंग एट द टाइम ही वॉज लेइंग इन द बेड ही रिमेम्बर्ड द पास्ट व्हेन हिज ग्रैंड फादर वर देयर एंड हाउ दे यूज टू स्पेंड द टाइम अंडर द नीम ट्री. किस तरह से उन्होंने वो टाइम गुजारा था नीम ट्री के अंदर. तो ये सारी बातें वो याद करता है कि ही इज रिकॉलिंग इट एंड ही इज सेइंग अबाउट इट कि उसके ग्रैंडफादर ने ये पेड़ लगाया था जब उसके ग्रैंडफादर बहुत यंग थे. तो ही हिज ग्रैंडफादर हैज ब्रॉट द सैपलिंग. वो सैपलिंग लेके आए थे एंड ही हैज प्लांटेड द ट्री देयर एंड ही टुक केयर ऑफ द ट्री एज अ चाइल्ड. और वो उसकी देखभाल एक बच्चे की तरह करते थे एंड नेम्ड इट एज निमई. और उन्होंने उसका नाम दिया था निमई. स्लोली द ट्री ग्रू एंड इट ग्रू टू अ वेरी बिग ट्री. बहुत अच्छा ट्री था एंड गिव शेड टू एवरीबडी. शेड देता था एंड हिज मदर यूज टू टेल. और ये जब बड़ा हुआ थोड़ा सा बॉय तो इसको इसकी मदर बताती थी कि किस तरह से व्हाट आर द हेल्प व्हिच दे गेट फ्रॉम द नीम ट्री दैट इट इज यूज्ड फॉर मेडिसिन एंड दे यूज टू कुक द फूड ऑल्सो. दे यूज टू कीप द नीम लीव्स ऑल्सो विद ब्रिंजल. दे यूज टू कुक इट. मतलब खाने में भी उसको ये लोग यूज करते थे. किस तरह से उसका यूज करते थे. फिर उसको याद था कि किस तरह से उसकी जो ग्रैंड फादर थे उनकी डेथ हुई थी जब वो एक दिन बैठे हुए थे पेड़ के इसी ट्री के नीचे. ही वाज सिटिंग देयर एंड इट वाज इवनिंग. उनके उसका प्रेयर का भी टाइम जा चुका था. तो ही रैन फ्रॉम द घर से आया एंड टोल्ड हिज ग्रैंडफादर को हिलाते हुए कि फादर ग्रैंडफादर इट हैज बीन. मतलब टाइम इज ओवर ऑफ योर प्रेयर ऑल्सो. कम लेट्स गो इनसाइड. टाइम खत्म हो गया है चलिए अंदर चलते हैं. बट व्हेन ही डिड दिस हिज ग्रैंडफादर्स हेड हंग ऑन द चेस्ट. वो एकदम से उसका उनका सर ऐसे गिर पड़ा बिकॉज ही वॉस्टेड एंड एट द सेम टाइम ट्री लीव्स ऑफ द नीम ट्री इट केम एंड ड्रॉप्ड ऑन हिज lap on the lap of the grandfather. पत्तियां भी उनके ऊपर गिर गई. मतलब at least that they were also showing their मतलब उनके लिए एक तरह से gratitude show कर रही थी. He was very sad. After that he became very sad और इसी उसमें वो बीमार पड़ गया. बीमार रहने लगा and उसको typhoid हो गया. One day when he was just यही सब बातें सोच रहा था at least one evening his mother came and told कि today your father is going to bring a new car in the evening. तो वो बहुत ही खुश होता है. जंप आउट ऑफ द बेड. पहली बार ये इतना टाइफाइड के बाद ये जंप आउट ऑफ द बेड एंड सेज कि और एक बात कार इज गोइंग टू आज ही शाम को आई विल गो टू विद माय फादर फॉर ये मतलब ड्राइव पे लॉन्ग ड्राइव पे आई विल गो विद माय फादर. तो वो कहती है कि यस यस ओके ओके नाउ डोंट बी सो एक्साइटेड. इतने एक्साइटेड मत हो. देयर इज वन मोर थिंग. एक और चीज मुझे बतानी है तुमको एंड द थिंग इज दैट योर फादर वी हैव टू कट द निमई. हमको निमई को काटना पड़ेगा बिकॉज वी हैव टू मेक अ गैराज फॉर द कार. कार खड़ी कहाँ करेंगे. गैराज बनाने के लिए वी हैव टू कट द नीम ट्री एंड एट द मोमेंट द बॉय हर्ड दिस. वो जैसे ही ये बात सुनता है ही बिकम सो एंग्री एंड बैड टेम्पर्ड कि वो एकदम से गुस्सा हो जाता है कि आई विल नॉट लेट यू मतलब कट द ट्री. व्हाई हाउ यू सेड दैट यू आर गोइंग टू कट द ट्री. मैं पेड़ काटने नहीं दूंगा. तो इसी तरह फोन पे उसके बाद ही फोन हिज फादर. फोन पे भी फादर एंड सन में काफी बहस होती है. बट द सन रिग्रेट्स इट एंड सेस दैट ही इज नॉट गोइंग टू लेट हिम कट द ट्री एंड द फादर सेस कि टुमारो मॉर्निंग द वुड कटर इज गोइंग टू कम एंड ही विल कट द ट्री एंड द नेक्स्ट मॉर्निंग इट अच्छा स्टार्टेड टू बिगेन. It was raining heavily. At the same time, it began to rain heavily, and इतना ज़्यादा thunderstorm के साथ था. It was a thunderstorm. There was lightning also. There was thunder also. The light went off. Everything went off. अचानक
अचानक से इतना डार्कनेस हो गया एंड एवरीबडी वॉज क्वाइट एंड एकदम अचानक से देयर वॉज अ लाइटनिंग और इतना ज्यादा लाइट था कि ऑल द वर्ल्ड ऐसे लगता है पूरी दुनिया में लाइट हो गई एंड द लाइट आफ्टर सम टाइम उनके फादर की चीखने की आवाज़ ही कुड हियर एंड दैट वॉज की द ट्री नीम ट्री हैज स्टार्टेड बर्निंग. तो वो दौड़ के जाता है और देखता है कि हुआ क्या. तो हिज फादर सेज की उसकी मदर उससे बताती है कि दैट नीम ट्री हैज सेव्ड हिज फादर बिकॉज इफ उसके ऊपर बिजली गिर गई थी पेड़ के ऊपर. इफ द नीम ट्री वॉज नॉट देयर देन वो किसके ऊपर गिरी होती बिजली उसके फादर के ऊपर एंड हिज फादर वुड हैव डाइड. तो बिफोर dying also, before dying also, the neem tree showed its kindness towards the family. और उस neem tree ने इनको बचा लिया. वो बहुत ही ज़्यादा he becomes very मतलब sad and he leaves the house in the next morning when everybody gets they see that there is Shyamal was not there in the home and he has left a note on the table that he is going out with their servant. There was a old servant, his name was Prasad, that he is going out with him. And they all started searching him. They searched him everywhere in the hospitals, in the park, everywhere they searched, but they could not find him. Even the relatives also came and searched for him, but they could not find him. In the evening, when they were sitting, one of them saw, "Arey, here he is coming." उसने देखा कि वो आ रहा था, and in his hand there was a neem sapling. Neem का एक छोटा पौधा वो लेके आया था, and he was so happy because now he is going to again sow the same neem tree like his grandfather. So this is the story of a boy who was so much attached to a tree, like he was thinking that it is my grandfather. And grandfather's tree ko kya sochte the ki unka beta hai. Okay children, thank you.